तो चलो सब कुछ फ्री 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 कर देते हैं, जैसा दिल्ली की जनता को समझना होगा। क्या समझना होगा? जैसा मोदी जी अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी की कंपनी जियो लॉन्च करके लाए थे, भंडारे की तरह फ्री 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 बांटते गए, सिम भी फ्री, कनेक्शन भी फ्री, नेट भी फ्री। बाद में क्या हुआ मालूम है? खाने के पैसे तो लिए ही, अब डोने के भी पैसे ले लिए। अब जो मार्च आते आते देखना, वो कहेंगे हमने जो उधार खिलाया था उसके भी पैसे दो। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश की सार्वजनिक संस्था MTNL और BSNL को, मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जबरदस्ती डुबोया है। जैसे लोग कहते हैं ना कि इसके पैर में पत्थर बांधो, नदी में फेंक दो, वैसे भारत सरकार की संस्था को मोदी जी ने और यहाँ के दूरसंचार मंत्री ने BSNL MTNL को नदी के अंदर में पत्थर बांध के फेंक दिया है। 5 साल से केजरीवाल जी और भाजपा वाले खेल खेल रहे थे आँख मिचौली का। ये कह रहे काम करता नहीं है, ये कहते काम करने नहीं देता। क्या कारण है? जब चुनाव सर पर आ गया तो इनको राज्यपाल काम करने दे रहा है, महिलाओं को बस में टिकट फ्री करने दे रहा है। पूरी साल सत्ता में रहे, क्या कारण है जो वाईफाई 16 दिसंबर से ये फ्री करने जा रहे? यही हम लोगों की कमी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाला आया हमारे बीच में, लोभ देकर हमको गुलाम बना गया। ये वही लोग हैं। दिल्ली पे आते हैं, दिल्ली में जो है जिस तरह का माहौल है, 5 साल केजरीवाल जिस तरह से आप केजरीवाल के काम को देखते हैं, और आप ये बताइए कि किस तरह से आगे आप देखते हैं कि 2020 का इलेक्शन कौन जीतेगा? देखिए ये जनता तय करेगी, जनता जनार्दन, जनता भगवान है। हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संविधान में जनता को सिर्फ एक ही अधिकार है, वोट डालने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद बचता है खाली डब्बा, खाली बोतल, ले लो मेरे यार, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम एक वोट डाल सकते हैं। केजरीवाल जी कौन है? रामलीला मैदान के आंदोलनकारियों में से एक हैं। वो निर्भया कांड के आरोपी हैं। निर्भया कांड के बाद ये लोग आंदोलन कर रहे थे, ये लोग गलती से आए हैं, ये लोग पब्लिक का काम करके नहीं आए हैं, ये वो लोग हैं। नहीं मानते आप, कोई नहीं जानता। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कहां गए वो सब किस्म जो रामलीला मैदान के आंदोलनकारी थे? पौने दो आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल बीके सिंह, किरण बेदी राज्यपाल बन गई। दिल्ली का कोई आदमी सुना क्या किरण बेदी कहाँ है? कहाँ गए केजरीवाल मुख्यमंत्री थे? केजरीवाल के मुख्यमंत्री उनके से हम कर रहे हैं, 5 साल जो उन्होंने काम किया वो कैसा काम किया? ऐसे तो क्या काम किया, सेटिस्फाइड आदमी किसी से नहीं है। नहीं है ना, सेटिस्फाइड क्या बात है? 5 साल से मैं एक सवाल पूछता हूँ। देखिए भारत देश में हम लोग अच्छे को नहीं चुनते, हम लोग बैड और वर्स को चुनते हैं, बद से बदतर। तो आपको केजरीवाल बदतर है या मोदी बदतर है या कांग्रेस बदतर है? किसको, तीनों में से किसको आप बताएंगे अगर ऐसे आम आदमी आपसे पूछा जाए? मैं आम आदमी ही हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ। 5 साल से केजरीवाल जी और भाजपा वाले खेल खेल रहे थे आँख मिचौली का। ये कह रहे काम करता नहीं है, ये कहते काम करने नहीं देता। क्या कारण है? जब चुनाव सर पर आ गया तो इनको राज्यपाल काम करने दे रहा है, महिलाओं को बस में टिकट फ्री करने दे रहा है। पूरी साल सत्ता में रहे, क्या कारण है जो वाईफाई 16 दिसंबर से ये फ्री करने जा रहे? हम भी अनखाते हैं, हमारे पास भी दिमाग है, हम भी सोचते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये 5 साल के दरमियान में ये वाईफाई फ्री नहीं किए, ये बसों के किराया फ्री नहीं किए, जल नहीं फ्री किए, बिजली नहीं फ्री किए, ये जो कह के आए थे जनलोकपाल की बात नहीं किए। अरे है भाई साहब, बिजली का रेट कौन सा सस्ता हो गया? सरचार्ज लगाया, बिजली का घोटाला आपको पता है क्या? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिल्ली में पहले पानी नहीं आती थी, लोगों को तो फायदा हुआ, फायदा फिर आप तो फायदा, आप बात समझ ले, कोई कंज्यूमर हमको तो फायदा हुआ। यही हम लोगों की कमी है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाला आया हमारे बीच में, लोभ देकर हमको गुलाम बना गया। ये वही लोग हैं। ये पैसा कहाँ से ला के दे? जनता को समझना होगा। ये अपने घर से पैतृक संपत्ति बेच के लाएंगे आपको देने के लिए, हमारे को देने के लिए? ये सरचार्ज जो अधिक लिया, जो गलत बिल लिया जाता है, ये सारे पैसे हैं, ये लिख के दें। चुनाव आयोग को चाहिए इसमें ठोस कदम उठाना, जैसा TN सेशन ने किया था। चुनाव आयोग को चाहिए कि जो भी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में जो भी घोषणा करती है उसके साथ एक बॉन्ड हो और सिक्योरिटी ले कि नहीं जी, इस चीज की बात जो आप घोषणा पत्र में दिया है वो मानना पड़ेगा। 2020 मार्च में बिजली फ्री है,
इसके बाद होगा कि नहीं होगा ऊपर वाला जानता है। आप भी बाद में इंतजार करना, हम भी इंतजार करेंगे। फरवरी में चुनाव होने की घोषणा चुनाव आयोग कर चुकी है। बहुत से प्रोजेक्ट को लंबित भी रखा है, लटका के रखा है। सिग्नेचर ब्रिज इन्होंने बनाया था आपको नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप हम आखिर जनता, आप एक इंटेलेक्चुअल ये बताइए कि जनता टिबिया कॉलेज में, आप सुनो तो सही, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, चैनल सुनिए, टिबिया कॉलेज में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। अरबों रुपया बिकावन में खर्च कर दिए कि 1031 पर एंटी करप्शन में फ़ोन कीजिए। एंटी करप्शन वाला कहेगा आपको कि सीएम हाउस से फ़ोन आएगा, सीएम हाउस से कोई फ़ोन नहीं आता है। आप ग्राउंड रिपोर्ट लेके देखिए, टिबिया कॉलेज में दवाई नहीं है। भाजपा नगर शासित 15 साल से भाजपा है यहाँ, 2.5 साल से दवाई नहीं है आपको नारायण दत्त अस्पताल में। लेडी हार्डिंग में भारत सरकार द्वारा संचालित अस्पताल है, वहाँ ओटी बंद है 6 साल से। फिर आप पूछो इन भाइयों से, मैं सिखा के लाया हूँ, ये हमें जानते भी नहीं है। ये विज्ञापन की सरकार है, ये लोग फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। ये कुछ दलाल जो टीवी के चैनल वाले हैं, रजत शर्मा अंजना, लोग ये जानना चाहेंगे है? लोग जाएं तो जाएं, किसको आखिर, जाहिर सी बात है हमें दिल्ली की जनता रामलीला मैदान के आंदोलन से जो अपने आप को ठगी महसूस कर रही है, जो केजरीवाल में देख रही थी वो नहीं मिला। अब केजरीवाल जी को लगा कि हम तो चुनाव जीतेंगे नहीं, तो चलो सब कुछ फ्री 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 कर देते हैं। जैसा दिल्ली की जनता को समझना होगा, क्या समझना होगा, जैसा मोदी जी अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी की कंपनी जियो लॉन्च करके लाए थे, भंडारे की तरह फ्री 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 बांटते गए, सिम भी फ्री, कनेक्शन भी फ्री, नेट भी फ्री। बाद में क्या हुआ मालूम है, खाने के पैसे तो लिए ही, अब डोने के भी पैसे ले लिए। अब जो मार्च आते आते देखना, वो कहेंगे हमने जो उधार खिलाया था उसके भी पैसे दो। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश की सार्वजनिक संस्था MTNL और BSNL को मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जबरदस्ती डुबोया है। जैसे लोग कहते हैं ना कि इसके पैर में पत्थर बांधो, नदी में फेंक दो, वैसे भारत सरकार की संस्था को मोदी जी ने और यहाँ के दूरसंचार मंत्री ने BSNL MTNL को नदी के अंदर में पत्थर बांध के फेंक दिया है। पहली बार प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन और सप्लायर सभी कुछ थे, भारत सरकार की सभी तमाम संस्थाओं में ये फोन बांट रहे थे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ के राजकोषीय घाटे माने जो खजाना है उसका बंटवारा कर रहे थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे। देश की जनता समझ नहीं रही है, देश की जनता कुछ डर से नहीं बोल रही है कि कहीं हमें प्रताड़ित।